क्या हो गया, हिम्मत नहीं आ गई, तुम्हें कभी मना नहीं किया, करो सो पूरा दिन गुजारो। 40वां बताया वो बताए मुझे ले जाए, मगर हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया, मैंने कुछ कर। आई थी तेरी माँ, भेज दिया उसे। शादी से नहीं रोक पाई, बातों को तुमसे बहुत बेहतर समझते और देखते हैं। मुझसे ये लड़की बर्दाश्त नहीं हो रही अभी रात शादी पे। मतलब तुमने सबको इनवाइट। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सास हूँ मैं की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अदालत आखिरकार ये फैसला सुना देती है कि तमाम सबूतों और गवाहों के मुताबिक ये तमाम प्रॉपर्टी अरूज और मेहरी की ही है, जिसके बाद अदालत सलमान और इदरीस को वार्निंग देती है कि अपला दिन तक आपने ये घर भी खाली कर देना है और तमाम कागजात भी अरूज के हवाले कर देने हैं। अदालत तो ये फैसला सुना देती है कि सब कुछ अरूज का ही है, लेकिन सलमान और इदरीस नई चाल सोचते हैं कि क्यों ना अरूज को ही खत्म कर दिया जाए। इसलिए ये वो सोचते हैं कि अरूज को अपने रास्ते से हटा दिया जाए। पहले तो इदरीस ये काम करना चाहता था अरूज को अपने रास्ते से हटाने का, लेकिन अब सलमान भी यही काम करेगा और इसी मकसद के लिए सलमान शूटर को पैसे देता है कि वो अरूज को खत्म कर दे। लेकिन इस बार फिर शूटर का निशाना चूक जाएगा और अरूज दोबारा बच जाएगी। और दूसरी जानब जब सलमान और इदरीस घर जाकर शाइस्ता को ये बताते हैं कि केस अरूज जीत गई है, तो शाइस्ता ये सुनकर पागल हो जाती है कि 25 साल मैंने इस घर पर राज करने के ख्वाब देखे हैं, मैं अपने ख्वाब इतनी आसानी से टूटने नहीं दूंगी। वही शाइस्ता जो मेहरी को पागल करार दे रही थी, अब वो खुद ही पागल हो जाती है। शाइस्ता बेगम बिल्कुल ही जहनी मरीजा बन जाती है और वो दीवारों से बातें करना शुरू हो जाती है कि इस दीवार पर मेरा नाम लिखा जाएगा, इस दीवार पर मेरा हुक्म चलेगा और इस दीवार पर मेरी तस्वीर लगेगी। तो इस तरह से शाइस्ता बेगम तो अपने अंजाम तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा बाकियों का आप लोग क्या अंजाम देखना चाहते हैं कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।